रोजगार से जोड़ने का काम करेगी। डिक्सन कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आज देश की अग्रणी कंपनी है। इन्होंने हमेशा ही भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उन उपकरणों की जो निर्माण में अग्रणी भूमिका हमेशा से रही है। और मुझे बताया डिक्सन ने कि पिछले वर्षों में वित्तीय वर्ष में 28,000 कर्मचारियों को रोजगार देने के साथ साथ 12,000 करोड़ से भी अधिक का राजस्व भी प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इसके लिए डिक्सन परिवार को, इसके मैनेजमेंट को, हमारे सभी अधिकारीगणों को, कर्मचारियों को, सबको मैं बधाई देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड में भी डिक्सन रोजगार के नए नए अवसर बनाएगा, नए अवसरों का सृजन करेगा। हमारे यहाँ के जो स्किल्ड हैं, थोड़ा सेमी स्किल्ड हैं, या जिनको स्किल्ड होने की आवश्यकता है, सुनील जी, उन सभी लोगों को कंपनी किसी न किसी रूप में यहाँ पर अवसर देने का काम करेगी। मेरा मानना है कि आज इस फैक्ट्री के माध्यम से जिन युवाओं को भी, जिन भाई बहनों को रोजगार मिलेगा, उनमें से बहुत से युवा भविष्य में अपने अनुभव प्राप्त करके, अपने को स्किल्ड बनाकर, पारंगत बनाकर, अनुभव लेकर अन्य लोगों को भी रोजगार देने का काम करेंगे, रोजगार देने में समर्थ होंगे। क्योंकि आज का जो युवा है वो स्वयं नौकरी पाने के साथ साथ, स्वयं का रोजगार करने के साथ साथ स्वरोजगार के माध्यम से अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहा है। और अब वो केवल रोजगार मांगने वाला नहीं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब हमारे नौजवान वो रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि अब रोजगार देने वाले बनेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप में से भी बहुत से युवा भविष्य में अपने संस्थान खड़े करेंगे, कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई लघु उद्योग लगाएगा, कोई मध्यम उद्योग लगाएगा, कोई स्थानीय उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को इन उपक्रमों से जोड़ने का काम करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों में से भी जितने लोग आज मेरे सामने बैठे हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग रोजगार देने वाले और अपनी फैक्ट्री लगाने वाले बनेंगे ना, फैक्ट्री लगाने वाले। अरे जरा जोर से बोलिए, हाथ खड़ा करिए भाई, बहुत अच्छा। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है पिछले दिनों हमने यही देहरादून में उत्तराखंड के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसमें पूरी दुनिया के 50 से भी ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और इसके पीछे हमारा जो मुख्य हेतु था, यहाँ निवेश लाना, यहाँ पर उद्योग स्थापित करना, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार को सृजन करना, साथ ही साथ राज्य की आर्थिकी को बढ़ाना और देश की आर्थिकी में एक बड़ा योगदान करना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य पूरे देश के लिए रखा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनाना, उस इकोनॉमी में उत्तराखंड देवभूमि का भी योगदान करना। और उसमें से जो हमारा प्रमुख हेतु था, एक हेतु था कि हमारे राज्य के नौजवानों को, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। और इस इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के बाद पूरे देश दुनिया के लोग, बहुत सी कंपनियों ने उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए जो ज़रूरी औपचारिकताएं हैं उन औपचारिकताओं को पूरा किया है। कुछ ग्राउंडिंग के काम भी हमारे यहाँ पर बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी प्रारंभ कर दिया है।
मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी अधिक अधिक से अधिक युवाओं को प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। भाइयों बहनों, मैंने पहले ही कहा था कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है और पूरे प्रदेश के लोगों ने जिस प्रकार से आगे बढ़ चढ़कर इन्वेस्टर ग्लोबल समिट को आगे बढ़ाने में हम सबका प्रोत्साहन किया, अन्य हमारे उद्योग समूह ने भी जिस प्रकार से हमारे साथ अपनी सहभागिता की, निश्चित रूप से हमारा उत्साहवर्धन हुआ और ये अवसर हमारा अब धरातल पर उतरने के लिए आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार नौजवानों के, युवाओं के जो सपने हैं, उन सपनों को साकार करने के साथ ही जो हमारी युवा प्रतिभाएं हैं, जिनके अंदर अनेक प्रकार की प्रतिभाएं हैं, अनेक प्रकार के जिन्होंने प्रशिक्षण लिए हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार की शिक्षाएं ली हैं, अनेक प्रकार के अनुभव लिए हैं, उन प्रतिभाओं के साथ न्याय करने के लिए भी हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं कि उनको अपने घर के पास, अपने परिवार के साथ रहते हुए बाहर न जाना पड़े, दूर न जाना पड़े, उनको प्रदेश में ही रोजगार करने का अवसर मिले, काम करने का अवसर मिले, अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिले। और इसको लेकर जैसा अभी भाई सहदेव सिंह पुंडीर जी ने बताया कि प्रदेश के अंदर हमने सबसे कठोर, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बनाकर भर्तियों में घोटाले करने वाले दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। और इस कठोर कार्रवाई में जहां अनेक माफिया अपराधी जो नकल के इस अपराध में शामिल थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। 100 से भी ज्यादा लोगों को जेल के सलाखों के पीछे इस अपराध को रोकने के लिए भेजने का काम आपकी सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा पहलू था वो सहदेव पंडित जी ने बहुत विस्तार से बताया कि अब पहले में और अब में अंतर क्या हो गया है। पहले के समय में जो युवा, हमारे भाई बहन नौकरियों के लिए आवेदन करते थे, आवेदन करते करते कई साल बीत जाते थे लेकिन उनका नंबर ही नहीं आता था। नंबर इसलिए नहीं आता था कि वो सक्षम नहीं है, काबिल नहीं है, ऐसा नहीं था। वो काबिल भी थे, सक्षम भी थे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते थे, तैयारी भी अच्छी करते थे, प्रतिभावान थे। उनका नंबर इसलिए नहीं आता था कि नकल करने वाले लोगों का नंबर पहले आ जाता था। अपराधी लोग उनकी सेटिंग करवा दिया करते थे, उनकी नकल करवा दिया करते थे, पेन ड्राइव से उनका नकल हो जाता था, पर्चा लीक हो जाता था, पेपर आउट हो जाता था, और जो योग्य थे, मेहनती थे, प्रतिभावान थे, वो चयन से दूर हो जाते थे, उनका चयन का नंबर ही नहीं आ जाता था। वो हताश हो जाते थे, निराश हो जाते थे। इतना ही नहीं, वो स्वयं तो जहां हताश निराश होते थे, उनके माता पिता भी एक बहुत ही मानसिक अवसाद की स्थिति से गुजरते थे कि अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए कठिन परिस्थितियों में वो उसकी पढ़ाई का, उसकी तैयारी का प्रबंध करते थे, फीस जमा करने में अपने घर की बहुत माली हालत खराब होने के बावजूद भी उसके लिए फीस के लिए पैसा निकालते थे, दूध बेचकर, घी बेचकर, सब्जी बेचकर या छोटी मोटी दुकानदारी करके, उधार लेकर, कर्जा लेकर अपने बेटी बेटी को पढ़ाने के लिए भेजते थे। उनके ऊपर किस प्रकार की उनके मन में किस प्रकार की बीतती होगी, किस प्रकार उनके साथ होता था, ये बहुत अनुभव की चीज है, बहुत महसूस करने की चीज है। जिन्होंने गरीबी देखी है नजदीक से, मैंने इसको देखा है, मैंने महसूस किया है कि उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता था। इसलिए भाइयों बहनों, हम सख्त नकल का कानून लेकर आए और उसका परिणाम हुआ कि जैसा सहदेव भाई अभी बता रहे थे माननीय विधायक जी, कि अब जो बेटा या बेटी एक परीक्षा में पास हो रहे हैं, वो एक में नहीं हो रहे हैं, एक के साथ साथ दूसरी परीक्षा में भी हो रहे हैं पास, दूसरी के साथ तीसरी में भी हो रहे हैं, चौथी में भी हो रहे हैं। बहुत सारे चौथी वाले तो बहुत मिले, कुछ लोग
पांच पांच परीक्षाओं में एक साथ पास होने वाले भी हमको मिले हैं। ये तभी संभव हो पाया जब प्रदेश के अंदर एक सख्त नकल विरोधी कानून लागू हुआ और हमारे योग्यता क्षमता प्रतिभा वाले भाई बहनों के साथ न्याय होना प्रारंभ हुआ, उसकी उनकी प्रतिभा के साथ न्याय होना प्रारंभ हुआ। अभी वर्तमान में हमने 7000 से भी अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जो चल रही है और जल्दी जो हमारे प्रदेश के अंदर 19000 ऐसे पद खाली हैं उन पदों पर भी हम भर्ती की प्रक्रिया चलाएंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि सरकारी नौकरियां पर्याप्त नहीं हैं, उसके लिए हमको इस प्रकार के रोजगार जो हमारे उद्योग समूह से आएंगे, स्वरोजगार से आएंगे, अन्य जो हमारे बहुत सारी रोजगार की योजनाएं चलाई हैं, हमारे जो उत्पाद बनाने वाले, हमारे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले, स्थानीय अपना रोजगार करने वाले, स्वरोजगार करने वाले, सब प्रकार के माध्यमों से हमने आगे बढ़ना होगा और तभी जाकर हम सशक्त और समर्थ जो उत्तराखंड है, जो भारत है, उसको बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। भाइयों बहनों, हमने अपने विशिष्ट जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसके द्वारा भी युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में सहायता करने के लिए संकल्प लिया हुआ है कि कोई भी युवा नौजवान भाई बहन अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको हम मदद करेंगे। हमारी सरकार उसकी सहायता के लिए जो योजनाएं हम लाए हैं, अन्य योजनाओं को भी हम लाने का प्रयास करेंगे। हमने राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का भी गठन किया है, उसके माध्यम से विदेशों में भी अब हमारे यहाँ के जो भाई बहन हैं जो काम करना चाहते हैं या जिसकी वहाँ पर ज़रूरत है, जिसके लिए वो स्किल्ड हैं और स्किल्ड नहीं है तो उनको स्किल्ड करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड भी तैयार हम कर रहे हैं। इससे जो हमारे युवा उद्यमी हैं उनको सरकारी स्तर पर काम करने के लिए फंड उपलब्ध हो सकेगा। हमने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना को भी अभी अभी मंत्रिमंडल में अभी मंजूरी दी है। इन योजनाओं के द्वारा युवाओं में कौशल विकास के लिए कार्य किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा, जिससे वो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के जो भी चयनित होंगे, जिनका भी नंबर आएगा, उनके लिए टिकट वीजा आदि से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं में भी हमारी सरकार मदद करेगी। सरकारी नौकरियों में भी हम मदद कर रहे हैं, उसमें हमने NDA CDS या हमारी लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली जो परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में हमने 1,00,000 रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है सहायता के लिए। सेना में जाने वालों के लिए भी सहायता का प्रावधान किया है। उसी प्रकार से जो हमारे अन्य सेक्टरों में जाने वाले हमारे नौजवान भाई बहन हैं उनकी मदद भी सरकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं से संबंधित डाटाबेस तैयार करने के लिए अपनी सरकार पोर्टल पर भी एप्लीकेशन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उसको भी हम विकसित कर रहे हैं। हम युवाओं को रोजगार देने के लिए हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे रोजगार की दर में वृद्धि हो, और पिछले समय के जो आंकड़े आए हैं उसमें हमारा रोजगार बढ़ा है। हमारा प्रयास है कि वो तेजी से आगे बढ़े, नौजवान युवाओं को हर क्षेत्र में काम करने का अवसर मिले। मेरा मानना है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा तो हमारा प्रदेश एक आदर्श प्रदेश बनेगा, दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। क्योंकि रोजगार बहुत सी जो समस्याएं हैं, बहुत सी जो परेशानियां हैं, रोजमर्रा की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को स्वतः ही उनका समाधान कर देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि डिक्सन जैसी कंपनियां, जहां एक और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में प्रदेश का देश का नाम रोशन करेगी, वहीं उत्तराखंड को भी देश का जो श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा संकल्प है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो संकल्प लिया है और उन्होंने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने में के लिए हमारे विकल्प रहित संकल्प की पूर्ति में
सहायक सिद्ध होगा। मैं पुनः एक बार डिक्सन कंपनी के सभी अधिकारियों को, सभी यहाँ काम करने वाले भाइयों को अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।